घर पे अगर बाजार जैसा चिकन टिक्का बनाना हो तो सच में मुश्किल होता है, और वो बाजार वाला टेक्सचर तो आता ही नहीं है, है ना दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इस रेसिपी में वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी है। आप इसको इस टेक्निक से बनाकर देखना, ये टेक्निक भी अलग है और सच में चिकन बिल्कुल बाजार जैसा बनकर आएगा। आप इसको बनाकर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर के इस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब चिकन टिक्का बनाने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है ये है कि दही से पानी निकालना है, यानी कि हंग कर्ड बनानी है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 किलो चिकन के लिए 400 ग्राम दही ली है। एक जाली के ऊपर मैंने मजलिन क्रॉथ या कोई ऐसा कपड़ा रखा है जो थोड़ा फाइन हो, और उसके ऊपर आप दही डालना और इसको गांठ बांध कर छोड़ देना। अब अगर आप ऐसे छोड़ोगे तो इससे पानी तो नहीं निकलेगा फास्ट, तो इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए मैंने इसके ऊपर एक प्लेट रख के, और इस प्लेट के ऊपर मैंने एक भारी सी चीज़ रख दी है। मैंने तो इमाम दस्ता रखा है, आप चाहो तो अब घी का डब्बा, एक बॉटल, कोई भी एक भारी सी चीज़ रख सकते हो जिससे कि पानी जल्दी से निकले, पर बहुत प्रेशर भी मत डाल देना। आप इसको छोड़ देना लगभग आधे घंटे के लिए, जब तक हम यहाँ पर चिकन को मैरिनेशन में कर लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट मैरिनेशन करने से पहले ये आप देख लेना कि चिकन को काटना कैसे है। चिकन के ऐसे रेशे रेशे होते हैं, तो इस रेशे के अगेंस्ट काटना है। अगर आप इसके साथ काटोगे तो चिकन इतना नरम बन के नहीं आएगा। चिकन टिक्का बनाने के लिए सबसे बढ़िया चिकन का जो पीस होता है वो होता है ब्रेस्ट पीस, यानी कि सीना। अगर आप यहाँ पर थाइस का इस्तेमाल करोगे तो उनमें फैट काफी होता है, और रोस्टिंग करने में फैट जो है वो बेसिकली आग पकड़ता है जिससे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, इसलिए जनरली चिकन के सीने का ही इस्तेमाल करा जाता है क्योंकि उसमें फैट कंटेंट कम होता है। दूसरी चीज जो आपने ध्यान देनी है वो आप काटने की टेक्निक देख लो। थोड़े से इसके बड़े पीसेस काटना, क्योंकि पकने के बाद मॉइस्चर निकलने के बाद पीसेस वैसे भी छोटे हो जाते हैं। तो मैंने नीचे वाले पार्ट को ऐसे ही निकाल दिया है, ऊपर वाले पार्ट को मैंने हाफ में डिवाइड किया है और फिर उसको भी हाफ में डिवाइड किया है। आप ऐसे ही काटना, जब चिकन के रेशे बनेंगे तो वो बिल्कुल धागे धागे नहीं बनेंगे, जुड़े जुड़े रहेंगे। सच में इतनी सी बात से बहुत फर्क पड़ेगा। तो ऐसे मैंने पूरे 1 किलो बोनलेस चिकन को काट लिया है, और सबसे पहली चीज हमें इसको फर्स्ट मैरिनेशन में रखना है। तो फर्स्ट मैरिनेशन में आपने यहाँ पर भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, उसके साथ साथ 1 टेबलस्पून तक आपने सरसों का तेल डालना है। दोस्तों एक कच्चा सरसों का तेल है, साथ साथ मैंने यहाँ पर नमक डाला है और कश्मीरी लाल मिर्च। इन सब चीजों को आप यहाँ पर अच्छे से मिला देना, ये चिकन के अंदर तक फ्लेवर लेकर आएगा, क्योंकि नमक है ना, नमक अगर चिकन के अंदर तक हुआ ना तो चिकन के अंदर तक स्वाद ऑटोमेटिकली आएगा। आप इसको मिनिमम आधे घंटे के लिए छोड़ देना, और अगर आपको इसको बढ़िया बनाना है तो आप इसको 6 घंटे के लिए छोड़ देना। आपको जैसे ठीक लगता है, जो कन्वीनियंट लगता है वही करना। अच्छा, आधे घंटे के बाद दही तो हमारी पूरी सेट हो गई होगी, उससे पानी सारा निकल गया होगा, तो हमारी सेकंड मैरिनेशन के लिए दही तो सेट है। साथ साथ हमें एक बेसन का रू चाहिए होगा, ताकि जितने मसाले हैं दही है वो उसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक पैन में सरसों का तेल लिया है, लगभग 4 टेबलस्पून। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, ध्यान रहे जलना नहीं चाहिए, जैसे ही गर्म हो जाए आप यहाँ पर 3 टेबलस्पून तक बेसन डाल देना, और गैस को एकदम मीडियम फ्लेम पे रख के बेसन को आप थोड़ा सा भून लेना। दोस्तों जनरली लोग क्या करते हैं कि तेल को गरम गरम करके बेसन के साथ ऐसे ही डाल देते हैं, बेसन को भूनते नहीं है। तो दोस्तों उससे होता यह है कि उसकी ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी नहीं रहती, तो इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पर बेसन को भुना है। और बस जैसे ही बेसन भुन जाए, उसे झाग थोड़ी कम होने लग जाए, आप यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल देना, लगभग 2 से 3 टीस्पून तक, जितना ज्यादा आपको कलर चाहिए उतना डालना। लेकिन हाँ, लाल मिर्च डालते ही आप गैस को बंद कर देना, नहीं तो उसके जलने के चांसेस हो जाएंगे। तो अब हाथ आपको फटाफट चलाने हैं। तो फर्स्ट मैरिनेशन आधे घंटे हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर दही डाल दी है हंग करी हुई, साथ साथ मैंने यहाँ पर जो हमारा बेसन का रू था वो सारा यहाँ पर डाल दिया है। यही कलर देगा, आपको एक्स्ट्रा कलर डालने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालना, गरम मसाला डालना, जीरा यहाँ पर डालना, उसके साथ साथ मैंने 1/2 चम्मच तक काला नमक भी डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च इसको गरम बनाने के लिए, और फाइनली मेरा सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट वो है कसूरी मेथी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर कसूरी मेथी का। दोस्तों मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करी है टाटा संपन्न की कसूरी मेथी, क्योंकि स्पेशली नांगौर से मंगाई जाती है, जिसे कसूरी मेथी का घर माना जाता है। आप बस इसको हल्का सा रोस्ट करके, क्रश करके डालना, चाहो तो आप ऐसे भी डाल सकते हो। उसके साथ साथ एंड में 1 चम्मच तक चाट मसाला डालना, बिल्कुल मत भूलना। ये हो गया हमारा तंदूरी मसाला पूरा रेडी। आप इसको अच्छे से मिला देना चिकन के साथ,
हाँ देखो है ना काफी गाढ़ा गाढ़ा, ऐसे ही हमें चाहिए। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो ना तो ये चिकन से सही से चिपकेगा और ना ही इसके अंदर तक टेस्ट आएगा। तो पानी नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, चिकन में बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर देने के लिए आपको इसको थोड़ा सा स्मोक करना पड़ेगा। तो स्मोक करने के लिए कोयला तो बेस्ट रहता ही है, लेकिन मुझे पता है कि सबके पास घर में कोयला नहीं है, तो मैंने यहाँ पर दालचीनी का इस्तेमाल किया है। दालचीनी से एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर भी आएगा और ये हमारा स्मोकिंग इफेक्ट भी दे देगी। दालचीनी होती भी वैसे ही एक पेड़ की छाल ही है, तो ये जलेगी भी सही से और स्मोकिंग इफेक्ट भी बढ़िया आएगा। आप बस इसको थोड़ा सा गैस पे जला लेना और इसके ऊपर हल्का सा देसी घी को ड्रॉप कर देना, अपने आप धुआं निकलने लग जाएगा। फटाफट से फिर आप इसको कवर करना और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना, ताकि धुआं भी चिकन के अंदर तक आ जाए और बिल्कुल वो स्मोकिंग इफेक्ट रोस्टेड फ्लेवर निकल कर आए। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये फर्स्ट मैरिनेशन के बाद। अब घर में क्या होता है कि जनरली फर्स्ट मैरिनेशन के बाद इसको एक दो घंटे हम रख देते हैं फ्रिज में और उसके बाद सीधा ही पका देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, या इनफैक्ट लोग मैरिनेशन में रखते ही नहीं है। देखो अगर दोस्तों आप कर सकते हो तो मिनिमम इसको एक दिन तक तो ज़रूर रखना, एक दिन ओवरनाइट फ्रिज में इसको डाल के ज़रूर रखना चिकन को। सच में चिकन के अंदर तक टेक्स्चर बदल जाता है, आप इस वीडियो में देखना ध्यान से। अच्छा, मैरिनेशन में रखने से पहले एक बार इसको टेस्ट करके ज़रूर देख लेना। मैंने एक पीस को पका कर देखा, मैंने देखा कि चिकन सही से पक रहा है नहीं पक रहा, उसके साथ साथ इसका फ्लेवर कैसा है, क्या मिर्च मसाले सही है नहीं है। तो अगर कोई भी कमी पेशी आपको लगे तो इस पॉइंट पर आप ज़रूर चेक कर लेना। तो दोस्तों 24 घंटे बाद अब टाइम आ गया है इस चिकन को पकाने का। आप खुद ही देख सकते हो फ्रिज में रखने की वजह से ये जो चिकन है इससे मैरिनेशन बहुत अच्छे से चिपक गई है और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए ना चिकन टिक्का। अगर मैं आपको चिकन काट के भी दिखाऊं तो आप इसके अंदर के रेशे देखना, बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कि रेशे जुड़ चुके हों। जैसे एक फिश में होता है ना, फिश का टेक्सचर भी ऐसे ही होता है कुछ कुछ कि रेशे जुड़े हुए होते हैं, ऐसे नहीं कि धागे धागे की तरह निकल कर आते हैं। बस दोस्तों यही फर्क है, दही में जो एसिड है वो पानी निकलने के बाद काफी कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है, उस एसिड की वजह से चिकन जो है वो गल जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि वैसे चिकन के काफी रेशे रेशे निकलते हैं जब वो ओवर कुक हो जाता है, बेसिकली जब उससे मॉइस्चर खत्म हो जाता है, लेकिन ये दही में मैरिनेशन करने के बाद या एक खटास मैरिनेशन करने के बाद जो मसल टेक्सचर्स होते हैं प्रोटीन के वो जुड़ से जाते हैं और सच में बहुत फर्क आता है। पहले आप पैन में थोड़ा सा तेल डालना, ज्यादा तेल बिल्कुल मत डालना, हमें तेल की यहाँ पर ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ चिकन को अंदर तक पकाना है। तो गरम गरम पैन में आप फटाफट से चिकन के पीसेस डाल देना, भर कर डालना, ऐसे नहीं कि कम डाल दो, बस चिकन के पीसेस डालकर आप इसको फटाफट से ढक देना ताकि अंदर तक चिकन अच्छे से पके और गले, और गैस को आप मीडियम फ्लेम पर कर देना। एग्जैक्ट, आपने घड़ी से देखकर 5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है, चिकन को ढक कर रखना, इसको खोलना बिल्कुल भी मत, घड़ी से देखकर आप इसको 5 मिनट तक पकाना। 5 मिनट बाद फटाफट से आप इसको स्टर कर देना, थोड़ा सा पानी निकलेगा, थोड़ा सा ऑयल निकलेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। आप बस टर्न करके फटाफट से इसको ढक देना और 3 मिनट तक आपने और पकाना है ढक के मीडियम फ्लेम पर। और सीरियसली एग्जैक्टली 8 मिनट में ही आपका चिकन अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। हाँ, अभी इसके चिकन टिक्का वाली लुक नहीं आएगी, मैं आपको बताऊंगा कैसे आएगी। और पैन में जितना भी मटेरियल रह जाए ना तो उसको छोड़ना बिल्कुल मत, उसको अपने बोल में चिकन के साथ ही ट्रांसफर कर दें। अब दोस्तों नॉर्मली अगर बाजार में जब चिकन बनाया जाता है तो उसको हाफ डन करके ही रखा जाता है, फिर उसको रिलैक्स करते हैं, तो हम भी रिलैक्स ही कर रहे हैं। और ज़्यादा क्रिस्पी नोट देने के लिए, ज़्यादा टेक्सचर देने के लिए मक्खन का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप मक्खन को यहाँ पर डाल दें। अगर मैं आपको चिकन एक काट के दिखाऊं तो आप खुद ही देखना कि चिकन एक्चुअल में अंदर तक पूरा पक चुका है हमारे फर्स्ट स्टेप में या फर्स्ट कुकिंग में, और इसके रेशे रेशे निकल के बिल्कुल नहीं आ रहे। अब ये देखो, मैं निकालने की कोशिश भी करूंगा ना रेशे तो उसके धागे नहीं बन रहे, सारा फर्क ही इस बात का है। अब सेकेंड कुकिंग करनी है बिल्कुल बाजार जैसे। ये करने के लिए मैंने स्क्यूअर्स का इस्तेमाल किया है। स्क्यूअर्स में आप ऐसे एक एक चिकन को लगा देना, थोड़ा सा बीच में गैप जरूर रखना ताकि इसको हवा लगे और जो ये मैरिनेशन है वो सूख के चिकन के साथ बिल्कुल चिपक जाए अच्छे से। आप इसे स्क्यूअर में लगा देना और इनको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना 5 मिनट के लिए, और बस 5 मिनट में ही मैरिनेशन ऐसी होगी एकदम चिपक जाएगी चिकन के साथ। बिल्कुल बाजार में भी ऐसे उल्टा ही लटका के रखते हैं ना ताकि मैरिनेशन अच्छे से चिपक जाए। बस अब गैस पे एकदम हाई फ्लेम पर आपने इनको अच्छे से रोस्ट करना है, अच्छे से। अंदर से तो चिकन पका ही हुआ है अच्छे से, तो हमें ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं लगेगी, बस आपने बाहर इसको अच्छे से पूरा चार्ड इफेक्ट देना है और बिल्कुल बाजार जैसा चिकन टिक्का बनकर आएगा दोस्तों।
अब ये देखो, आप बस पहले ऊपर से निकालना चिकन को और फिर ही ऐसे नीचे स्लाइड कर देना। और हाँ, अगर आपको ऐसे सीखे नहीं है, स्क्यूअर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे चिमटे से पकड़कर गैस पर भी सेकंड कुकिंग कर सकते हो। और अगर चिमटा आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम वाला लगता है तो आप ऐसे कोई भी वायर ड्रैक पर भी कर सकते हो गैस के ऊपर रख के, उससे भी आपका काम बढ़िया हो जाएगा, चिकन टिक्का बन के पूरा तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों बस लास्ट स्टेप करना है। लास्ट स्टेप बहुत सिंपल है, आप इसमें चाट मसाला डालना, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालना, हल्की सी मैंने कसूरी मेथी और डाली है, और मक्खन तो बिल्कुल मत भूलना, उसके बिना तो चिकन अधूरा ही है। फटाफट से आप इसको मिलाना और ये देखो चिकन का टेक्सचर देखो आप, है ना दोस्तों, अलग एकदम मलाई जैसा चिकन बनेगा, वो भी चिकन टिक्का, और वो भी घर पे।